अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम काशिफ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। जी व्यूअर्स, आज आपके लिए मैं लाया हूँ एक सोलर वाला डीसी एयर कूलर और ये बेहतरीन चीज़ है। ये प्लास्टिक बॉडी में तैयार है। पहले मैं आपको इसका 360 व्यू दे दूँ, उसके बारे में आपको इसकी डिटेल बताऊँगा, इसकी प्राइस बताऊँगा, इसकी एयर थ्रो बताऊँगा, इसकी अम्पेयर भी चेक करा के बताऊँगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका वाटर लेवल जो आप देख सकते हैं चेक करने के लिए, और ये इसके साथ व्हील है। भाई व्हील इसके साथ आते नहीं हैं, आपको लगाने खुद पड़ेंगे। ये मैंने खुद लगाए थे, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि ये कितने के मिले थे। ये आप देख सकते हैं फ्रंट से ये बिल्कुल प्लास्टिक बॉडी में, और ये इस वक्त बेहतरीन काम कर रहा है। मैंने सोचा इसका रिव्यू आप दोस्तों के साथ शेयर कर लूं। ये इसके ऊपर जो बड़ी टैंकी है और इसके अंदर ये आप जो बोतलें देख रहे हैं जिसको हम आइस बॉक्स भी कहते हैं, ये इसके अंदर डलते हैं। इसको आप फ्रीज में फ्रीज कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ कूलर में रख सकते हैं। ये इसका वाटर देख सकते हैं जो पानी आ रहा है ऊपर, वहाँ से होता हुआ इन बोतलों के अंदर से होता हुआ ठंडा होकर पानी जो है वो नीचे कूलर की जालियों में गिरता है और फिर ठंडी जो है हवा, इसका सर्कुलेशन जारी रहता है और फिर नीचे हमें सामने ठंडी हवा मिलती है। ये इसका 360 व्यू ज़रा मैं आपको दे दूँ, उसके बाद मैं आपको सारी डिटेल्स की बताता हूँ, इसकी अम्पेयर भी चेक करके आपको मैं बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं साइडों से बिल्कुल इसका जो है बेहतरीन चीज़ है, और यहाँ से अगर आपने कूलर की टैंकी वगैरह कभी साफ़ करनी हो इसको ओपन करके आप साफ़ कर सकते हैं। सबसे मज़े की बात मुझे इसमें जो लगी है, इसका आप अगर पानी डालना चाहें तो आपको बिल्कुल भी साइड से या ऊपर से नहीं डालना पड़ेगा बिल्कुल, बल्कि जहाँ आइस बॉक्स वाला सीन जो मैंने आपको दिखाया है, भाई इसको ओपन करें, यहीं से आप मग्गे के ज़रिए, बाल्टी के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ज़रिए पानी इसको ऊपर से ही आप डाल सकते हैं और नीचे वाटर लेवल के जरिए बता सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कि इसको मैंने डीसी पे चलाया हुआ है, यानी कि सोलर पे चलाया हुआ है। सोलर वाली सॉकेट आप देख सकते हैं, रेड और ब्लैक मैंने इसलिए यहाँ पे किया हुआ ताकि अंदाज़ा रहे कि उल्टा शू ना लग जाए। इसके आगे मैंने शू लगा के इसको सोलर के साथ इसको चला रहे हैं अभी, यानी कि आप इसको 12 वोल्ट बैटरी पे भी चला सकते हैं और सोलर पैनल पे भी चला सकते हैं अपने 150 वाट के एक सोलर पैनल पे। तो भाई ये ज़रा इसको यहाँ पे लगाते हैं और इसके एम्पेयर वगैरह भी चेक करते हैं कि क्या सीन है। इसकी वायर जो है यहाँ पर जोड़ लगाया हुआ है और ये मेरे पास मीटर है। वायर का मैं आपको बता दूं, इसके साथ छोटी वायर आती है तो मैंने थोड़ी सी बड़ी की है, इसको 4 mm वायर कॉपर में इसके साथ थोड़ा सा जोड़ लगाया हुआ है 1 मीटर का। और ये मैं अब इसको डीसी पे ज़रा सेट करके इसके अम्पेयर, ये ऑन है, इसकी हर चीज़ ऑन है, मूवेबल फिन मोटर भी ऑन है जो आगे पीछे मूव करती हैं, फ़ैन भी ऑन है और वाटर वाली मोटर भी ऑन है। तो भाई ये 6.2 जो है वो अम्पेयर ले रहा है इन सब चीज़ों के साथ, यानी कि पानी वाली मोटर जो कि पानी उठा के ऊपर लेकर आती है, और जो इसके फिन मूवेबल फिन है और मेन फैन। तो इसके मूवेबल फिन जो हैं वो बंद करके देखते हैं कि भाई फिर कितने अम्पेयर ले रहा है। इसको मैं ज़रा यहाँ से ऑफ़ कर लेता हूँ और फिर देखते हैं कि वो कितने अम्पेयर पे ये जो मूवेबल फिन है यानी कि उसको बंद करने से क्या फ़र्क पड़ा है। तो भाई जो मूवेबल फिन जो है आसपास जो घूमती है मूव करती है वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर अम्पेयर ले रही है, बिल्कुल 0 कुछ ले रही है। तो आप इसकी जो वाटर वाली मोटर है वो बंद करते हैं और फिर देखते हैं कि भाई वो कितने अम्पेयर ले रही है। ये मैंने वाटर वाली मोटर जो है वो बंद कर दी है, पानी नहीं आ रहा, तो अब देखते हैं कि भाई ये कितने अम्पेयर लेती है वो मोटर। तो जनाब मीटर के सेल हो गए हैं 0 और ख़त्म हो गए, तो जनाब ऑन हो जा। तो भाई ये देखें और फिर 0, भाई ऑन हो जाए यार। अच्छा तो जनाब वाटर वाली मोटर बंद करने से ये 4.95, यानी कि प्यारे दोस्तों 60 वाट बनता है, और अगर मुकम्मल इसकी चीज़ें चलाएं कूलर की तो ये 70 से 75 वाट लेता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो प्यारे दोस्तों इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, तो ये आपको मार्केट से इस वक्त जो है वो 6,500 रुपये से लेकर 7,500 रुपये के दरमियान में मिल जाएगा। प्राइस हर सिटी की अप डाउन हो सकती हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आज का टॉपिक। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।